हां जी बच्चा लोग कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हो कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं है ना और भाई नहीं शुरू करी है तो यकीन मानो कर दो शुरू क्योंकि अब वो ऐसा क्रिशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है ना आप लोगों के लिए कि जहाँ पर आपका मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं तब तो आप बोलोगे कि अरे मैम कैसी बातें कर रहे हो पीछे लिखा हुआ है ना है ना तो यहां देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं हम बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर तो लोग मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ठीक है बहुत से बच्चों के सवाल थे मैम इतने सारे डायग्राम्स हैं इतने सारे डायग्राम्स हैं कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें हम लोग और अपने मार्क्स थोड़े से पक्के कर लें ले हुँ? तो चलिए आपकी मेहनत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने कुछ प्रयासों के साथ है ना चलो फिर फटाफट से क्या बात कर लेते हैं अपने कुछ डायग्राम्स के ऊपर तो अब यहाँ जो समय है वो ऐसा समय है भाई कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी तो बनती है है ना बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे डायग्राम्स तो आप देख लोगे ठीक है डायग्राम्स तो आप समझ लोगे लेकिन जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बनाना कैसे सीखोगे कहते हैं ना प्रैक्टिस तो भाई परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी राइट चलो फिर शुरुआत कर देते हैं अपने पहले डायग्राम से बहुत इजी है ठीक है देखो पहला डायग्राम है आपका हम्म यहां पर क्या है भाई ये है पुष्प की संरचना ठीक है तो भाई जब मैं पुष्प की बात कर रही हूँ तो सबसे खूबसूरत जो होता है किसी भी पेड़ का भाग होता है वो उसका पुष्प होता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है उसकी जो पेड़ होता है ना उसकी लाइफ के लिए बिकॉज उसके ऊपर क्या है उसी के पुष्प के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई बीज कैसे बनेगा आगे है ना तो फिर तो जो पुष्प की बात करते हैं तो यहां पर दो तरीके के अंग पाए जाते हैं एक होता है सहायक और दूसरा होता है आवश्यक या जिसको हम बोलते हैं लैंगिक अंग ठीक है बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं इस पुष्प के अंदर जो आपको याद करने की जरूरत है एक बार अच्छे से देखोगे याद हो जाएगी हम्म चलो फिर शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से ये वाला जो हिस्सा है ठीक है ये जो टहनी से जुड़ा हुआ होता है ये क्या है आपकी टहनी हो गई ठीक है तहनी से जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है पुष्प अक्ष यानी कि जिसको हम कहते हैं पुष्पासन यानी थैलेमस अब पुष्पासन यानी कि पुष्प का आसन जिसके ऊपर पुष्प क्या करता है विराजने का काम करता है भाई जैसे राजा का आसन होता है बिल्कुल ऐसे ही पुष्प का भी तो आसन होता है हाँ तो ये होता है पुष्पासन अब यही जो पुष्पासन होता है यही बाहर से क्या है कुछ इस तरीके की ये संरचनाएं निकली हुई होती हैं, ठीक है थीके? ये वाली संरचनाएं ग्रीन कलर की ऐसे करके ठीक एक ये निकली है ये निकली है हम्म तो ये जो संरचनाएं होती हैं, ये कहलाती है बाहेदर, जिसको क्या बोलते हैं हम कैलेक्स बोलते हैं ठीक है कैलेक्स बोला अब ये अगर संख्या में एक है तो हमने इसको क्या बोला बाहेदल दल बोला अब ये बाहेदल दल अगर संख्या में एक से ज्यादा है तो बाहेदल क्या कहलाएगा बाहे दल कहलाएगा अगर संख्या में एक से ज्यादा है फिर इसके ऊपर चलते हैं इसके ऊपर लाल रंग के खूबसूरत सा एक एरिया आ जाता है हु? ये लाल रंग का खूबसूरत सा एरिया आ जाता है ठीक है जो सभी को क्या है अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है भाई जब हमें आकर्षित करता है तो कीटों को भी तो करता होगा ना उनकी आंखों में भी तो ये क्या है चमकने लग जाता होगा हम्म जहां पे भी कोई सुंदर सा गुलाब का फूल देखा हमारे मन में होता है हाई गुलाब का फूल कितना तो खूबसूरत है काश इसे मैं तोड़ लू है ना लेकिन जब कीटों के मन में ये बात आती है ना तो उनके मन में ये नहीं आती है कि काश इसे मैं तोड़ लू नहीं क्योंकि उनको तो नेक्टर चाहिए होता है उसमें से है ना तो ये जो क्या होता है पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं दल यानी कि कोरोला ठीक अब ये जो दल है अगर संख्या में एक है तो इसको बोलेंगे हम दल अब एक से ज्यादा है तो दलपुंज बोलेंगे ठीक है एक से ज्यादा है तो दलपुंज बोलेंगे अब इनके बीच में एक ये येलो कलर की संरचना निकली हुई है देखो ये इस तरीके से है ना ये देखी होंगी आपने ठीक है और भी हो सकती है यहां से और भी हो सकती है हुँ? ये क्या कहलाती है आपकी पुंकेसर यानी कि स्टेमन कहलाती है ये क्या है ये पुंकेसर यानी कि स्टेमिन अब अगर ये संख्या में एक है तो पुंकेसर कहलाएगी ठीक वही अगर संख्या में एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगी पुमंग करेक्ट यानी कि ठीक है ना ये क्या होता है नर भाग होता है पुमंग क्या होता है ये आपका नर भाग है नर भाग होता है ये ठीक है ना चलो फिर उसके बीच में ये पतली सी संरचना होती है ठीक है लड़कियों को क्या होता है अपने आप को मेंटेन करने का बहुत शौक होता है कि हम यार पतली दुबली सी अच्छी सी होनी चाहिए है ना तो बिल्कुल जब ये स्त्री भाग है ये मादा भाग है भाई तो इसकी भी तो इच्छाएं हैं कि काश मैं भी पतली दुबली सी लगू एकदम खूबसूरत सी तो इसीलिए भाई ये बिल्कुल बीच में छुपी हुई बैठी हुई होती है ठीक है और ये क्या होता है स्त्री केसर यानी कि पिस्टल बोलते हैं इसको हम्म अब अगर ये संख्या में एक है तो क्या कहलाएगी ये स्त्री केसर कहलाएगी और एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगी जायांग ये क्या होता है मादा भाग होता है ये ठीक है ये क्या है आपका मादा भाग और इसको क्या कहते हैं हम गायशियम बोलते हैं ठीक क्या नाम दिया इसको हमने गायनीशियम करेक्ट बिल्कुल चलिए बहुत ही बढ़िया ठीक अब यहां पर इसके ऊपर सवाल कैसा आता है कि भैया पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए या पुष्प के जो चार भाग हैं वो कौन से हैं या फिर ऐसे आ सकता है कि उसके जो दो इंपॉर्टेंट अंग हैं उनकी व्याख्या कीजिए तो कुछ भी आए इनमें से सवाल तो आपको ऐसे ही इसका डायग्राम बनाना है और जो इसके चारों क्या है ये सहायक अंग में कौन कौन आ जाते हैं आपके जो सहायता कर रहे हैं यानी कि बाहे दल आ गया आपका और दल आ गया ये दोनों क्या है सहायक अंग है ये सहायता कर रहे हैं पुष्प की ठीक है और आवश्यक ये लैंगिंग अंग में कौन आ जाएगा आपका पोमंग और जायांग बिकॉज इनके बिना तो भाई निषेचन की क्रिया हो ही नहीं सकती है ना तो इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है और इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है करेक्ट चलो इसके बाद आता है हमारे पास क्या नर जनन अंग आता है ये क्या है आपका नर जनन अंग नर जनन अंग ठीक है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब ये बनाने में थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन अगर आपके पास आएगा भाई बताने के लिए कि नर जनन अंग की व्याख्या कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए तो बनाना तो पड़ेगा इसीलिए मैंने बोला कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अगर पे बताया जा रहा है ना तो आपको उसको बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर आपको इसे बनाना तो सीखना पड़ेगा ठीक है ना तो ये आपका नर जनन अंग है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है बिकॉज इसके बिना अगर यही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई जो शुक्राणु है वो नर के शरीर से मादा के शरीर में कैसे जाएंगे है ना कैसे बनेंगे शुक्राणु कैसे वो मादा तक पहुंचेंगे मूत्राशय तो है ठीक है थीके? ये शुक्रवाहिकाएं है जो शुक्र को यानी कि शुक्राणु को ले जाने का काम करती है ये प्रोटेस ग्रंथि है यहाँ पर ये मूत्र मार्ग है ये अधिवृषण है ये शिष्ण है ठीक है ये वृषण है ठीक है और उसके बाद फिर ये वीरपुटिका है और ये मूत्रवाहिनी है यानी कि मूत्र को ले जाने का काम करती है यहाँ पर एक चीज ये है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर यूरिन पास करने के लिए और स्पर्म्स का को एजुके स्पर्म्स को जो शुक्राणु है उनको मतलब मादा के शरीर तक ले जाने के लिए ठीक है एक ही पाथ होता है कि शुक्राणु का निकलने का जो पाथ है ठीक है और जो यूरिन का पाथ है दोनों का एक ही है ठीक है दो अलग अलग नहीं जैसे मादा के शरीर में दो अलग अलग भाग होते हैं ठीक है यूरिन के लिए अलग होता है और क्या बोलते हैं ये शुक्राणु जो होते हैं उनके लिए अलग होता है कि शुक्राणु जिससे शरीर में अंदर जा रहे हैं लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता है इसके लिए दोनों मार्ग एक ही हैं कि यूरिन शरीर से बाहर कैसे जाएगा और दूसरा शुक्राणु शरीर से बाहर कैसे जाएंगे तो एक ही नलिका है ये वाली जिसके द्वारा बाहर आते हैं ठीक है जिसके द्वारा बाहर ये आते हैं यही एक ही मार्ग है दोनों के लिए है ना चलो अब इसी के अपोजिट में मतलब इसी के अपोजिट में इसी के साथ हम नर जनन अंग या मादा जनन जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं दूसरे नंबर पे या तो नर जनन तंत्र आ सकता है या मादा जनन तंत्र आ सकता है दोनों में से ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड नंबर पर दूसरा डायग्राम रखना चाहूंगी तो मैं रखूंगी मादा जनन तंत्र को ठीक है इसीलिए ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई इस तरीके से मादा जनन तंत्र मौजूद होता है यहाँ पर ये अंडाशय होते हैं जहां पर क्या होता है अंडा बनता है यानी एग बनता है यहाँ पर क्या होता है एक फिमरी होती है जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है और ये जो ये जो उंगली जैसी है ना ये फिमरी इनके बीच में एक मेमब्रेन होता है हु? अब जैसे ही क्या होता है यहाँ से अंडाणु बन के निकलता है ये क्या है ये इस तरीके से हिलती रहती है और जैसे ही यहाँ से अंडाणु निकले लबक के एकदम उसको पकड़ लेती है ठीक है जैसे अंडाणु बाहर आएगा अंडाणु यहां से यहाँ से यहां से पहुंचेगा पहुंचेगा फिर ये यहाँ पे एम्पुला तक पहुंचता है यानी कि तुम्बिका तक पहुंचता है तुम्बिका में अगर यहां पर इसको कोई स्पर्म मिल जाता है यहां पर कोई स्पर्म मिल जाता है तुम्बिका रीजन में तो यहाँ पर क्या है प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं ठीक है कार्वे अगर आपके पास सवाल आएगा कि कहाँ पर रुकती है प्रेगनेंसी की है ना तो क्या बोलोगे निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तुम्बिका रीजन में यानी कि एम्पुला में होती है ठीक है ये क्या है आपका मादा जनन तंत्र है ये आपका क्या हो गया यहाँ पे ये फिमरी हो गई ये कीप जैसी संरचना होती है फिर यहाँ तुम्बिका फिर यहाँ पे आ गया एस्तमस फिर ये आ गया फंडस आपका और ये जो है गर्भाशय जो होता है ये तीन लेयर से मिलके बना होता है या तीन स्तर से मिलके बना होता है पहला आपका गर्भाशय स्तर सबसे अंदर वाला होता है फिर बीच वाला होता है गर्भाशय पेशी स्तर और बाहर वाला होता है परिगर्भाशय ठीक है और फिर यहाँ पर क्या होता है ये आ जाती है आपकी योनिग्रीवा ठीक है ये आपका योनि मार्ग है ठीक है और ये जो है आपकी क्या है ग्रीवा नाल है ठीक है इस तरीके से ये आपका क्या आ जाता है मादा जनन तंत्र की संरचना आ जाती है तो भाई आपके पास ये भी सवाल आ सकता है कि मादा जनन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तो आपको भाई यहाँ पर क्या क्या बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे अंडवाहिनी के बारे में बताना पड़ेगा आपको अंडाशय के बारे में बताना पड़ेगा तुम्बिका रीजन के बारे में बताना पड़ेगा गर्भाशय के बारे में बताना पड़ेगा तीनों स्तर दिख रहे हैं तीनों जो स्तर हैं ये ये तीनों स्तरों के बारे में बताओगे और योनि का काम क्या है ये बताओगे ठीक है ये सारी चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी इसके बाद आपके पास आएगा शुक्राणु की संरचना के बारे में कि भाई ये आपकी शुक्राणु की संरचना है ये तीन भागों में डिवाइडेड होती है ठीक है तीन भागों में कि हेड नेक और टेल ठीक है शीर्ष क्या कहलाता है आपका हेड कहलाता है यह होता है आपका हेड ठीक है मध्य खंड यानी कि इसको हम मिडल पीस भी बोलते हैं ठीक है मिडल पीस बोला हमने इसको ठीक है और ये पूछ यानी कि ये होती है आपकी टेल ठीक है तो ये आपके तीन भागों में विभाजित होता है करेक्ट बिल्कुल अब यहाँ पे अग्रपिड यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर शुक्राणु के सबसे आगे एक मौजूद होता है जो क्या करता है जब ये अंडाणु उसके पास जाता है तो में जो एंजाइम होता है वो निकलता है और अंडाणु को भेदने का काम करता है ठीक है इसके बीच में यहाँ पे केंद्रक होता है ठीक है केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं पर जिनमें क्या होता है आपका पदार्थ माइट्रोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है एनर्जी देता है इसको ठीक है और जो पूछ होती है वो इसको आगे बढ़ने में ऐसे 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 बढ़ने में इसकी हेल्प करती है ऐसे 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 ये आगे बढ़ता है ठीक है तो सारा का सारा क्या है इसका काम है चलो फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई मिलर का प्रयोग मिलर का प्रयोग ठीक है बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मैम डायग्राम कैसे बनाएंगे ये तो मिलर का प्रयोग ये भी पांच नंबर में आ जाता है डायग्राम के साथ कि मिलर के प्रयोग की व्याख्या कीजिए तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा तो मिलर जी के हिसाब से क्या था भाई कि यहाँ पर उन्होंने जो करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी बनी थी हुँ? उसके बारे में सोच के एक थॉट दिमाग में लाके उन्होंने भाई इस तरीके से एक लैब में क्या किया था उन्होंने वो बनाया बनाया था बनाया था वातावरण कि कि भाई भाई चलो मैं भी ट्राई करता हूं कि भाई इतने साल पहले पृथ्वी में तब क्या हुआ होगा कि पृथ्वी बनी थी hmm? यहाँ पर उन्होंने दो फ्लास्क ले लिए थे ठीक है एक फ्लास्क में क्या किया उबलता हुआ जल लिया था और वहां टेम्परेचर था आठ डिग्री सेल्सियस ठीक है यहाँ पर उसको उबाला अब यहाँ पे जब पानी को उबालोगे तो क्या होगा वाष्प में बदल जाएगा पहुंचते 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 यहाँ आ गया अब यहाँ पे क्या था भाई इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे जिसकी वजह से स्पार्क डिस्चार्ज हुआ इलेक्ट्रोड्स की वजह से क्योंकि वहां पे जल आ चुका था हम्म अब यहीं पे जो सेकेंड फ्लास था यहाँ पे ये यह चार गैसे मौजूद थी चारों गैसे जो उस समय भी मौजूद थी ये चारों गैसे यहाँ मौजूद थी अब इन सब की प्रेजेंस में वहाँ पे स्पार्क हो गया ठीक है फिर क्या हुआ भाई यहाँ पर जो पानी था वो इस तरीके से नीचे जैसे जैसे ठंडा होता गया वो नीचे आता गया आता गया क्योंकि इलेक्ट्रोड है भाई तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पानी उबला हुआ होगा गर्म होगा यहाँ पहुंच जाएगा ठंडा होगा ठंडा होगा ठंडा होगा ठंडा होगा हो और फिर यहाँ पे क्या है ये कार्बनिक जो है यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ है यहाँ पे पानी में यहाँ जल में इकट्ठे होते रहेंगे यहाँ पे लगभग अठारह दिन तक उन्होंने क्या किया था यहाँ पे इस पानी को जमा रहने दिया था और अठारह दिन बाद जब यहाँ पे पानी को चेक किया तो इनको यहाँ पे बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिल गई थी अमाइनो अमाइनो एसिड भी वहां पे मौजूद था हम्म तो यहां पर ये था मिलर जी का प्रयोग ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाना सीख लेना पांच नंबर में सवाल आता ही आता है आता ही आता है मतलब कि मतलब जब पांच नंबर में सवाल आता है ठीक है तो फिर आपको इसको डायग्राम के साथ साथ इसके बारे में लिखना पड़ेगा शुरुआत से लेकर अंत तक ये ठीक है ना फिर हमारे पास आता है वहित मल उपचार ठीक है इसको बनाने में भी बच्चों को बड़ी आफत होती है कि मैम कैसे बनाए इसको कैसे समझे तो भाई बहुत सिंपल सा डायग्राम है ठीक है तीन इसमें वो बने हुए हैं चैंबर्स एक दो तीन और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं होता क्या है समझो मैं बताती हूँ So, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा कि भाई यहाँ क्या है घर नाले उद्योग का क्या वहित बल आता है यहाँ पर ठीक आता है यहाँ पर क्या एक छलनी जैसी पट्टियां लगी हुई होती हैं इस तरीके से ठीक है यहाँ छलनी जैसी लगी हुई होती है अब यहाँ पे निस्ंतन का काम शुरू होता है ठीक है यानी कि फिल्ट्रेशन का काम शुरू होता है जो मोटे मोटे पदार्थ है ना ठीक है वो यही रह जाते हैं कपड़ा हो गया पत्थर हो गया जो मोटे मोटे कड़े रह जाएंगे बाकी सब जो है नीचे आ जाएंगे ठीक है अब यहां क्या है दूसरी प्रोसेस क्या होती है यहां पे दूसरी प्रोसेस पहली तो आपकी ये हो गई दूसरी होती है अवसादन की यानी कि सेडिमेंटेशन की, की प्रोसेस हो जाती है यानी कि यहां पर क्या है अशुद्ध जीवाणु अशुद्ध ठीक है जीवाणु नीचे रह जाते हैं प्लस क्या होता है सेडिमेंटेशन में कि जो रेता मिट्टी जो भी कुछ होती है वो भी नीचे बैठ जाती है ठीक है ये कहलाता है आपका प्राथमिक आपक ठीक है ये कहलाता है यानी कि जिसको हमने प्राइमरी क्या बोला फ्लग बोला

यहाँ पे ना एक छोटी सी पतली सी नलिका बनी हुई हो होती है जहां से ऑक्सीजन को पास कराया जाता है ठीक है ऑक्सीजन को पास कराया जाता है अब ये जो पानी यहाँ आ गया है ठीक है तो यहाँ पानी में क्या है कार्बनिक अशुद्ध सूक्ष्म जीव है यहाँ पे ठीक है कार्बनिक अशुद्ध सूक्ष्म जीव है अब यहाँ जो O2 है यहाँ पे जो इसको डाला गया है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई हाँ यहाँ पे क्या सी प्रोसेस हुई है वाईवी है ठीक है एरोबिक प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे कि यहाँ से जो आएंगे इंजाइन वो क्या करेंगे ये जो पानी में कार्बनिक अशुद्ध सूक्ष्म जीव है इनको क्या करेंगे खा जाएंगे ठीक है इनको खा जाएंगे खा खा के खा 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 के के मोटे हो जाएंगे और मोटे होकर क्या होंगे ये नीचे जो है बैठ जाएंगे अब ये जो नीचे बैठ जाएंगे तो क्या कहेंगे इनको हम फ्लॉक्स कहेंगे यानी कि क्या है ये कफ की जाल बना लेते हैं यहाँ पर ठीक है दूसरे टैंक में ये काम होता है अब यहां से जो पानी आ रहा है यहां से यहां आया अब यहाँ का तो जल है वो भी तो आगे जाएगा वो भी आगे आ गया है अब यहां पर क्या हुआ है ये जो जल और फ्लॉक्स है वो यहां पर आ गया है ठीक है यहां पर आ गया अब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे तो वायव्य सूक्ष्म जीव थे, थे。यहाँ पे क्या थे? वायव्य सूक्ष्म जीव से क्योंकि ओटू डाली गई थी यहाँ क्या थे? अवाव्य सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं जो क्या काम करते हैं जो इस फ्लॉक्स को खाने का काम करते हैं जो इस जल के साथ फ्लॉक्स है जो इस जल के साथ फ्लॉक्स है इस जल के साथ जो फ्लॉक्स है इसको खाने का काम करते हैं ठीक है और जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो यहां से क्या होता है सी एच फोर टू और H2S टू नाम की जो गैसे हैं, ये बाहर रिलीज होती रहती हैं। ठीक अब उसके बाद यहां से जो होता है जो साफ जल निकलना होता है वो यहां से बाहर आता है ठीक है और ये साफ पानी जो जो होता है जो इसका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद जो साफ पानी बना है वो नदी नदी में या जिनमें भी छोड़ना होता है उनमें छोड़ देते हैं ठीक है तो ये था आपका वहित मल उपचार के बारे में पूरा डिस्कशन तो वहित मल उपचार जब भी आएगा ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा समझाने के लिए क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए आता है ठीक है पता है डायग्राम्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है हुँ? कि डायग्राम्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपको थ्योरी भी समझ में नहीं आ रही है ना कि हमें लिखनी कैसे है तो डायग्राम बना दोगे ना तो नंबर मिल जाते हैं ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, है ना डायग्राम बना दोगे तो एटलीस्ट ये है कि हाँ सामने वाले को समझ में आएगा कि आपको कुछ तो पता है ठीक है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरी में कुछ नहीं लिखोगे बट इतना है कि डायग्राम बनाने से एक इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं जिनमें डायग्राम होते हैं पूरी कोशिश करा करो कि डायग्राम बनाओ ठीक है चलो फिर आज की क्लास में इतना ही था उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे डायग्राम्स आपको समझ में आए होंगे इसको समझने में आसानी हुई होगी और इजी भी लगे होंगे ठीक है तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई डायग्राम वाला सवाल आता है तो पूरी कोशिश करो कि आपको थ्योरी के साथ साथ वहां पे डायग्राम जरूर बनाने हैं ठीक है ना एक तो लिखने में भी मजा आता है ठीक है डायग्राम बनाने में मजा आता है फिर अगर आपको डायग्राम याद है ठीक है तो ऑब्वियसली बात है अगर आपको डायग्राम याद है तो उसकी थ्योरी आप लिख सकते हो ऑब्वियसली लिख सकते हो थ्योरी है ना फिर जो सामने चेक कर रहा है कॉपी उसके ऊपर भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ इस बच्चे ने डायग्राम बनाया है इसका मतलब इसको मालूम है ठीक है तो दोनों काम हो जाते हैं ठीक है ना चलिए फिर आज के लिए इतना ही उम्मीद करती हूँ कि चीजों को समझने में आसानी हुई होगी और अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आओगे डायग्राम्स के साथ ठीक है चलो ऑल द बेस्ट बाय बाय